21वीं सदी में टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि अब हम मोबाइल की मदद से न केवल बातचीत करते हैं बल्कि इंटरनेट के माध्यम से फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और जीमेल आदि से अपने दोस्तों एवं अपने ऑफिस से भी जुड़े रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पहला मोबाइल फोन कब और कहां बना था और इसे बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? यदि आप इस प्रश्न के उत्तर से अनजान हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अवश्य जान जाएंगे कि पहला मोबाइल फोन कब और कहां बना था और इसे बनाने वाला व्यक्ति कौन था। दुनिया के पहले मोबाइल फोन का निर्माण मार्टिन कूपर नामक एक अमेरिकी इंजीनियर ने किया था, जिसे उन्होंने 3 अप्रैल 1973 को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया था। यह विश्व का पहला फोन था जो कि आम लोगों के लिए बनाया गया था, क्योंकि इससे पहले रेडियो फोन और वायरलेस फोन भी उपलब्ध थे, लेकिन इसका अधिकतर इस्तेमाल फौज द्वारा किया जाता था। मार्टिन कूपर ने मैनहट्टन में स्थित अपने ऑफिस से न्यू जर्सी में स्थित बेल लैब्स के मुख्यालय में पहला कॉल किया था। मार्टिन कूपर ने आज के समय की अग्रणी मोबाइल कंपनी मोटोरोला के साथ मिलकर इस मोबाइल फोन का निर्माण किया था तथा बाद में वे इस कंपनी के CEO भी बने। मार्टिन कूपर को दुनिया के पहले मोबाइल फोन के निर्माण के कारण साल 2013 में संचार के क्षेत्र में किए गए विलक्षण कार्य के लिए मार्कोनी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दुनिया की पहली कमर्शियल सेलुलर फोन सेवा 1979 में NTT नामक जापानी कंपनी ने टोक्यो में शुरू की थी। इसके बाद 1981 में डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन में मोबाइल फोन सेवाएं शुरू हुई थी, जिसका नाम था नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन। 1983 में अमेरिका के शिकागो शहर में अमेरिटिक नाम से 1G टेलीफोन नेटवर्क की शुरुआत हुई थी। भारत में पहली मोबाइल सेवा 15 अगस्त 1995 को दिल्ली में गैर व्यावसायिक तौर पर शुरू की गई थी। आज भले ही हल्के और स्लिम फोन आ गए हैं, लेकिन जिस मोबाइल से पहली कॉल की गई थी उसका वजन 1.1 किलोग्राम था। साथ ही ये मोबाइल 13 सेंटीमीटर मोटा और 4.45 सेंटीमीटर चौड़ा था, जिसकी तुलना ईंट या जूते से की जाती थी। जहां आज के मोबाइल को चार्ज होने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है और इसकी बैकअप क्षमता भी 1 से 2 दिन होती है, वहीं दुनिया के पहले मोबाइल को पूरी तरह से चार्ज होने में 10 घंटे का समय लगता था और उसके बाद भी ये सिर्फ 20 मिनट तक ही चल पाता था। पहले मोबाइल फोन की बैटरी का वजन आज की तुलना में 4 से 5 गुना ज़्यादा था। 1983 में मोटोरोला ने जिस पहले मोबाइल हैंडसेट को बाजार में उतारा था उसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपये थी। इस मोबाइल हैंडसेट का नाम था डायनाटेक 8000X। 1979 में फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत जापान में हुई थी, जिसकी मदद से एक बार में कई लोग आपस में कॉल कर सकते थे। 1991 में 2G टेक्नोलॉजी की शुरुआत फिनलैंड में हुई थी। 2G टेक्नोलॉजी की शुरुआत के पूरे 10 साल बाद 2001 में 3G टेक्नोलॉजी आई, जिसे जापान की कंपनी NTT डोकोमो ने शुरू किया था। दोस्तों, अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके।